कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम बांध रहे हैं बिटिया के बाल, बिटिया स्कूल जा रही है। सुबह सुबह के बज रहे हैं 6:30 और 6:30 बजे हम बिटिया को तैयार कर रहे हैं। आप सभी लोग बड़ी बिटिया से मिलना चाह रहे थे, तो देखिए यही बिटिया हमारी है जिसकी तबीयत ख़राब थी, अब वो पूरी तरह से ठीक है और स्कूल भी जाने लगी है। बिटिया के कल से एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम की भी इनकी तैयारियाँ चल रही हैं। चाय नाश्ता हमारा बन चुका है। नाश्ते में आज इनका मन था मैगी खाने का, आज ये कह रही थी सुबह सुबह हम नाश्ते में मैगी खाएंगे, तो इनके लिए हमने मैगी बना दी है और चाय भी हमारी बन चुकी है। 6:30 बजे हमें बनाना रहता है क्योंकि 7 बजे बिटिया स्कूल चली जाती है। आज बिटिया ने अपने हाथों से ही मैगी बनाई है, आज इनका मन था कि आज ये मैगी बनाएं, तो ये अपने हाथ मैगी लेके आई हैं दुकान से और अपने हाथ बना रही हैं मैगी। बच्चों को मैगी बहुत पसंद है, इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है, आयुष्मान को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखिए हमारे भैया आए हुए हैं, भैया हैं हमारे, बहनोई हैं, सभी लोग आए हुए हैं, तो सब लोग आपस में बैठे हुए बात कर रहे हैं। सब लोग बात कर रहे हैं इलेक्शन के बारे में क्योंकि आज वोट भी पड़ा है, ये सारे लोग वोट दे करके आए हैं, तो बैठे हुए हैं और सब लोग बात कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी पार्टी हारेगी। सब लोग आपस में बात कर रहे हैं और अब गाड़ी भी आ गई है, भैया हमारे गाड़ी ले आए हैं। अब सभी लोग चले जाएंगे क्योंकि दोपहर के बज रहे हैं 2 और हमको भी कपड़े फैलाने हैं। हमारे कपड़े सुबह से धुले रखे थे और हमें टाइम नहीं मिल पाया था, तो अब हम कपड़ों को लेकर छत पे आए हैं, छत पे हम फैला देंगे। आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये हमारा काम जो घर पे लगा हुआ था चल रहा था, ये आधा ही हुआ है, अभी काम हमने रोक दिया है थोड़े दिनों के लिए, अभी रुका रहेगा, इसके बाद से ये फिर से स्टार्ट होगा। ये सारे कपड़े अगर सुबह हमने डाले होते तो अब तक सूख गए होते, लेकिन नहीं डाल पाए थे फ्रेंड्स। ये 6 बजे हैं, अभी 6 बजने ही वाले हैं, 6 बजे हम कपड़े फैला रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पूरी तरह से शाम हो गई है, सूरज भी ढल चुके हैं और कपड़े हम फैलाएंगे तो रात में सूखेंगे, क्योंकि अब तो ये ऐसे सूख नहीं पाएंगे, रात भर पड़े रहेंगे। और सुबह 10 बजे तक हम ये कपड़े भी उतार लेंगे क्योंकि धूप अब तेज़ होने लगी है और कलरफुल जो कपड़े होते हैं उनके कलर ख़राब हो जाते हैं, इसलिए तेज़ धूप में कपड़े इस समय बिल्कुल भी नहीं फैलाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो ये छाया में ही सूखेंगे क्योंकि पानी निचोड़ चुका है और ये छाया में सूख जाएंगे। सुबह हम 10 बजे के करीब ये सारे कपड़े उठा लेंगे, कपड़े बहुत ज़्यादा थे, आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल शाम हो चुकी है, सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। देखिए हमारे यहाँ का जो काम चल रहा था वो इस टाइम बंद है, अभी कोई भी लेबर मिस्त्री हमारे यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। दरवाज़ा भी जाम हो गया है, अभी पूरी तरह से जाम नहीं हुआ है, पूरी दीवारें नहीं उठी हैं आप लोग देख सकते हैं, अभी इसमें पल्ले लगने बाकी हैं। अभी जब हमारे यहाँ नीचे का ये जो शटरिंग वगैरह लगी हुई है, जब तक ये खुल नहीं जाएगी तब तक काम नहीं शुरू होगा, हमने काम को बंद करा दिया है। 3-4 दिनों में ये सारी शटरिंग हट जाएगी, उसके बाद नीचे का प्लास्टर भी होगा। सुबह सुबह हमने खाना बना लिया था, खाना बनाने के बाद 11 बजे के करीब हमारी मम्मी आ गई थी और उसके बाद वो लोग गए हैं 2 बजे, और उनके जाने के बाद हम सो गए थे। हमारे कपड़े सुबह से धुले रखे थे, अभी तक हमने फैलाए नहीं थे, अब बज चुके हैं शाम के 6, तो अब हमने कपड़े फैलाए हैं। अभी हम बनाने जा रहे हैं शाम का खाना क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, अब 6 बज गए हैं और अभी हमें थोड़े बर्तन भी धुलने हैं क्योंकि हम सो गए थे, इसलिए हमारे सारे काम रुक गए हैं। अब हम फटाफट अपने बर्तन साफ करेंगे और फिर उसके बाद खाना बनाएंगे। रात के 8 बज गए हैं और हमने अपने बर्तन भी साफ कर लिए हैं, खाना भी हमने बना लिया है, हमारा सारा खाना बन चुका है, चावल में सीटी आ गई है, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने खाना बना लिया है।